सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली के तमाम नाकों पर प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसे 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि सरकार के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री टीकाकरण के 3रे चरण में आम जनता के साथ वैक्सीन लगवाएंगे। प्रदेश के सभी नागरिकों से विशेष आग्रह है कि वे वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम या बहकावे में नहीं आए। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर मुंबई की एक सिंगर ने रेप का आरोप लगाया है। हालांकि मंत्री ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे ब्लैकमेलिंग और पैसे ऐंठने का प्रयास बताया है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए विश्व भर के देशों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। वैक्सीन को लेकर दुनिया भर के देश सक्रिय हो गए हैं और इसी कड़ी में ब्राजील ने भारतीय फार्माक्यूटिकल फर्म भारत बायोटेक के साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर करार किया है। देश में कोरोना का टीका लगाने का अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। उससे पहले सभी राज्य टीकाकरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने टीकाकरण के नियम भी तय कर दिए हैं। योगी सरकार की ओर से मंगलवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार कल यानी बुधवार को होगा। मंत्रिमंडल में 7 नए सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नए सदस्यों के नाम पर मोहर लग गई है। कोविड 19 के मद्देनजर दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड रिजर्व करने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि कोविड 19 के नए स्ट्रेन और आने वाले त्योहारों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अभी भी हम ग्रीन जोन में हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत की खबर है। हादसा 2 अलग अलग गांव में हुआ है, जहां जहरीली शराब ने 12 लोगों की जान गई है, जबकि 7 बीमारों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिंगर अनूप जलोटा अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वो सत्य साईं बाबा का रोल निभाने जा रहे हैं। ये एक बायोपिक फिल्म है। अनूप इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और वो सत्य साईं बाबा के लुक में ही फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में क्रिकेटरों पर नस्लवादी टिप्पणियां करने की घटनाएं बहुत होती हैं और इसे रोका जाना चाहिए।